हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एपिसोड प्रो। मैं हूं शुभंकर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीएससी के एक न्यू अपडेट के बारे में। अगर आप एक सीएससी का वीएलई हो तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। तो क्या है गुड न्यूज, तो चलिए देख लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे आया एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो मैं आप सब लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो आज का जो सीएससी का गुड न्यूज है वो है बैंकिंग बीसी पॉइंट के ऊपर। आप सब लोग जानते हो सीएससी के माध्यम से बहुत सारा बैंकों का बीसी पॉइंट चलता है। चलाया जाता है, जैसे कि SBI का बीसी पॉइंट सीएससी प्रोवाइड करता है, फिलहाल अभी वो नहीं कर रहा है। के बाद HDFC बैंक का भी बीसी पॉइंट ओपन हो चुका है, उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। एंड ICICI बैंक का जो बीसी पॉइंट है वो भी लाइव हो चुका है, उसका भी वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन आज के जो अपडेट है वो है एक्सिस बैंक के ऊपर। बहुत दिन पहले सीएससी के एंड एक्सिस बैंक के अंडर एक MOU साइन हुआ था बीसी पॉइंट के ऊपर, यानी एक्सिस बैंक के साथ ये टाइप हुआ था सीएससी के साथ। हर एक सीएससी सेंटर में एक्सिस बैंक का सीएसपी पॉइंट दिया जाएगा। अभी एक्सिस बैंक का जो बीसी पॉइंट है सीएससी देना स्टार्ट कर चुका है एंड उसका पोर्टल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख सकते हो उसका URL मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही इस URL पे आप क्लिक कर दोगे, देखिए इस तरह का एक पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो एक्सिस बैंक, यहाँ पर देखिए साइन इन टू योर अकाउंट। जिस तरह से HDFC बैंकिंग का बीसी पॉइंट लॉग इन किया जाता है एंड ICICI बैंकिंग का जो बीसी पॉइंट है उसको लॉग इन किया जाता है सीएससी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ठीक उसी तरह एक्सिस बैंक का जो बीसी पॉइंट होगा उसको भी लॉग इन किया जाएगा सेम प्रोसेस फॉलो करके। तो एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट देना स्टार्ट हो चुका है, आपको चेक करना है कि आपका लॉग इन यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका यहाँ पर लॉग इन होना स्टार्ट हो चुका है तो आपका बीसी पॉइंट एक्टिवेटेड हो चुका है। अगर आपका यहाँ पर लॉग इन नहीं हो रहा है तो तुरंत अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ कॉन्टेक्ट करना है एंड आपका जो एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड ऑलरेडी अगर आप HDFC बैंक का बीसी पॉइंट ले चुका है एंड ICICI बैंक का, तो आप लोग जानते हो यहाँ पर किस तरह से लॉग इन किया जाता है। आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो दिया है, मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को फुल देख सकते हो एंड जान सकते हो किस तरह से मॉर्फो ब्राउजर सेटिंग किया जाता है, किस तरह से इस पोर्टल का सेटिंग किया जाता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इस पोर्टल को आप ओपन करोगे ये ओपन नहीं होगा, ओपन होकर तुरंत बंद हो जाता है। उसके लिए एक सेटिंग्स करना पड़ता है, उसका सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आपको फुल देखना है। ठीक उसी तरह से एक्सिस बैंक का भी सेटिंग्स करना है, नहीं तो आपका पोर्टल तुरंत ओपन होगा एंड बंद हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा से यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ एक्सिस बैंक का एंड इसका URL भी आप देख सकते हो axis.fig.in/fi-gateway। सीएससी का जो बीसी पॉइंट है इसी पोर्टल के माध्यम से चलाया जाता है, आप देख सकते हो। एंड इसका जो मेंटेनेंस है NSE टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इसका मेंटेन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सिस बैंक का पोर्टल बिल्कुल लाइव हो चुका है एंड एक्सिस बैंक का भी सीएसपी पॉइंट देना स्टार्ट हो चुका है। एंड इस पोर्टल के माध्यम से आप अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हो। अगर आपको एक्सिस बैंक का सीएसपी पॉइंट मिल जाता है तो ऐसे आप अकाउंट ओपनिंग एंड डिपॉजिट, विथड्रॉल, मनी ट्रांसफर सारे काम कर पाओगे। एक्सिस बैंक का सीएसपी अगर दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगे तो आपको बहुत सारा चार्जेस लग जाएगा, लेकिन अगर सीएससी के माध्यम से आप लेते हो तो बिल्कुल फ्री में आपको एक्सिस बैंक का सीएसपी पॉइंट ओपन करके दिया जा रहा है। तो तुरंत अभी अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉन्टेक्ट कीजिए एंड आपका एक्सिस बैंक का सीएसपी पॉइंट ओपन कर लीजिए। एंड एक और बात, अगर आपने अभी तक बैंक मित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तुरंत बैंक मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। एंड अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो देख लीजिए एक बार वीएलई अपडेशन ऑप्शन पे जाके, आपका कुछ डिटेल्स मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच है या गलत है तो उसको आप अपडेट कर दीजिए तुरंत, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आपको सीएसपी पॉइंट नहीं मिलेगा। एंड यहाँ से एक और ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, देखिए कॉन्टैक्ट अस पे जाके आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एंड FI बैंकिंग ऑफिसर्स, आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का अपना नंबर यहाँ से निकाल सकते हो एंड FI जो टीम है आपका स्टेट में उसका भी नंबर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया किस तरह से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का भी नंबर आप निकाल सकते हो, FI टीम का भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए आप जिस भी
स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का यहाँ पर आपको सिर्फ नाम सिलेक्ट करना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तुरंत उस स्टेट का जो बैंकिंग एफआई टीम है उनका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो बैंकिंग का टीम है उनका फुल डिटेल्स यहाँ पर शो हो चुका है। एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को एट फर्स्ट आपको कॉन्टैक्ट करना होगा क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फर्स्ट टाइम आपको वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो एट फर्स्ट आपका काम है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करना एंड आपका एप्लीकेशन वेरीफाई करा लेना, ठीक है। तो यही आज का इस वीडियो में बताना था। एक्सिस बैंक का जो सीएसपी पॉइंट है वो देना स्टार्ट हो चुका है। तो मेरा अभी एक्सिस बैंक का लॉगिन एक्टिवेट नहीं किया गया है, नहीं तो मैं लाइव आपको लॉगिन करके दिखा देता पोर्टल अंदर किस तरह का होता है, नहीं तो मैं लॉगिन करके दिखा देता इसका पोर्टल किस तरह का होता है। तो आज के इस वीडियो में यही बताना था। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।